दोस्तों आज बात करेंगे डियोर सवाज एलिक्सिर के बारे में। हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट। डियोर सवाज, इस नाम से कौन वाकिफ नहीं होगा। अगर आप परफ्यूम से, खुशबुओं से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें इस्तेमाल करना आपको पसंद है, उनके बारे में जानना आपको पसंद है और आप उनके रिलेटेड वीडियोस को यूट्यूब पर देखते हैं, तो आपने कभी ना कभी इस नाम को ज़रूर सुना होगा। नो डाउट डियोर सवाज एक बहुत ही लाजवाब खुशबू है, एक बेहतरीन परफ्यूम है। बट क्या डियोर सवाज एलिक्सिर, जो कि लास्ट ईयर 2021 में लॉन्च हुआ था, उतना ही अच्छा है। आज हम डियोर सवाज एलिक्सिर की हर एक छोटी से छोटी चीज़ के बारे में बात करेंगे। इसका बॉक्स कैसा है, इसकी प्राइस कैसी है, इसकी खुशबू कैसी है, और अगर आपके पास ऑलरेडी डियोर सवाज है, आपको इसे खरीदना चाहिए या नहीं। तो शुरुआत करें इसकी बॉक्स पैकिंग से। और जो इसका बॉक्स है वो एक टॉप ओपनिंग बॉक्स है, जो कि हार्ड कार्डबोर्ड का बना हुआ है। अगर इसके बॉक्स को डिस्क्राइब करूं, तो अगर आप इसके बॉक्स को ऊपर से देखेंगे, जो इसका टॉप है, वहां पे आपको क्रिस्टियन डियोर का लोगो बना हुआ दिखेगा। और जो इसका फ्रंट है, इसके फ्रंट के ऊपर ही इन्होंने ब्रांडिंग की हुई है, जहां पे इसका नाम लिखा हुआ है सवाज एलिक्सिर, और नीचे डिजाइनर का नाम है डियोर। अब जब हम इसे खोलते हैं, तो इसको खोलते ही एक बहुत ही शेल्फ नुमा जो बॉक्स है, जो इसका बेस है, बॉटम है बॉक्स का, वो एक शेल्फ नुमा बना हुआ है, जिसके अंदर बॉटल को इन्होंने रखा हुआ है। बाय द वे, जो मेरे हाथ में इस समय बॉक्स है, वो 60 ml क्वांटिटी का बॉक्स है। और जो ये बॉटल है अंदर, जब आप इसको बॉटल को खोल कर देखेंगे या बॉटल को देखेंगे निकाल कर, तो आपको एक ग्रूव बना हुआ दिखेगा फ्रंट के ऊपर ही, जिसके अंदर इन्होंने इसका नाम लिखा हुआ है। और जब आप इसको इसके बॉटम से देखेंगे बॉटल को, तो बॉटल के नीचे भी आपको क्रिस्टियन डियोर का लोगो बना हुआ मिलेगा, इसकी ब्रांडिंग दिखेगी, और जो इसके बाकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और बॉक्स के अंदर ही एक और चीज़ आपको देखने को मिलती है, अगर आप इसकी बॉटल को निकालेंगे, तो बॉटल को निकालते ही नीचे आपको एक हनी बी मधुमक्खी मिलेगी, जो कि ऑलरेडी सिग्नेचर के तौर पर यूज़ की जाती है क्रिस्टियन डियोर जो डिज़ाइनर है। अब बॉक्स के ऊपर अगर मैं वापस आऊँ, तो बॉक्स के बॉटम या बेस के ऊपर भी आपको सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, जैसे कि इसका बैच कोड क्या है, इसका बार कोड क्या है, और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को इन्होंने यूज़ किया है, जस्ट लाइक इन्ग्रीडियंट्स ऑफ दिस परफ्यूम। और अगर इसकी बॉटल में भी कुछ और चीज़ें बताऊं जो कि नोटिस होती हैं, वो ये है कि आपको वो डिटेलिंग जो क्रिस्टियन डियोर का लोगो है, एम्बलम है, वो हर जगह ऑलमोस्ट देखने को मिल जाएगा। अगर इसके कैप की बात करूं, इस बॉटल का जो कैप है वो एज यूजुअल जैसा डियोर सवाज में आपको मैग्नेटिक कैप देखने को मिलता है, तो एलिक्सिर में भी आपको वो सेम मैग्नेटिक कैप देखने को मिलेगा। ऊपर सेम क्रिस्टियन डियोर का आपको लोगो और एम्बलम देखने को मिलेगा। अगर आप कैप के अंदर झांकेंगे, तो आपको सेम वही बी देखने को मिल जाएगी, जो आपको आपने इसके बॉक्स के बेस में देखी थी। और जो इसका एटमाइजर है, एटमाइजर के ऊपर भी आपको वही सेम सीडी जो इनका लोगो है, एम्बलम है, वो देखने को मिल जाएगा। और जो बॉटल है उसके अगर आप बेस को देखेंगे, जो कि मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूं, वहां पे भी आपको इनका क्रिस्टियन डियोर का लोगो या एम्बलम देखने को मिलेगा। बात करें इसकी खुशबू की, इट स्मेल्स अमेजिंग, इट लिटरली स्मेल्स हेवनली। नो डाउट डियोर सवाज इज अ ग्रेट परफ्यूम एंड इट स्मेल्स यूनिक ऑल्सो। बट जो डियोर सवाज एलिक्सिर है, ये भी किसी भी एस्पेक्ट में उससे कम नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट, दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता है, बिकॉज बोथ ऑफ देम स्मेल्स यूनिक इन देयर ओन वेज। आपको डियोर सवाज का DNA डियोर सवाज एलिक्सिर के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, बट टू बी ऑनेस्ट दे स्मेल वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो हाउज इट्स फर्स्ट इंप्रेशन, इसकी पहली खुशबू कैसी है। तो जब आप इसे स्प्रे करेंगे, जो सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे वो होगी इसकी स्पाइसीनेस। थोड़ा सा आपको इसके अंदर ठंडक महसूस होगी, हल्का सा क्रीमीनेस का एहसास होगा, और थोड़ा सा आपको कड़वापन लगेगा। जो कड़वापन है इसके पहले नोट के अंदर, वो ग्रेप फ्रूट के कारण है। अब जब भी मैं अपने रिव्यूज़ में ग्रेप फ्रूट को मेंशन करता हूँ, मैं आपको हर बार बताता हूँ कि जो ग्रेप फ्रूट है वो सिट्रस फैमिली को बिलोंग करता है। जब आप उसको बहुत क्लोजली स्निफ करते हैं, स्मेल करते हैं, तो इसके अंदर हल्का सा कड़वापन आता है। तो जो इसकी भी पहली खुशबू है डियोर सवाज एलिक्सिर की, उसमें जो आपको हल्का सा कड़वापन महसूस होगा, वो ग्रेप फ्रूट के कारण होगा। और जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग चीज़ है, जहाँ पर ये डिफरेंट हो जाता है डियोर सवाज से अपनी पहली खुशबू में ही, वो है सिनेमन का नोट, और वही इसको स्पाइसीनेस देता है और थोड़ी सी ठंडक देता है। और जो सिनेमन का नोट है वो आपको एंड तक स्मेल करने को मिलता है, जो सिनेमन की खुशबू है वो एंड तक कायम रहती है। हालांकि इसके नोट्स के अंदर इलायची, कार्डमम का भी
यूज किया गया है या मेंशन किया गया है, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे उसकी जो प्रेजेंस है बहुत नेग्लिजिबल टाइप सी लगी है। मैं उसको माइल्ड भी नहीं बोलूंगा। जब मैं इसको बहुत ज्यादा क्लोजली स्मेल करता हूँ इसकी पहली खुशबू को, तो मुझे वो इलायची की खुशबू नहीं मिलती है। हालांकि जो पहला नोट है उसमें जो सिनेमन है वो बहुत ज्यादा ओवरपावरिंग टाइप सा है। एज एवरीबडी नोज, जो डियोर सवाज है उसके अंदर एम्ब्रोक्सन जो कि एक केमिकल कॉम्पोजिशन है, उसकी खुशबू थोड़ी सी वुडी होती है, एम्बरी होती है, मिठास भरी होती है और थोड़ी सी मस्की होती है। वो डियोर सवाज के ड्राई डाउन में खुल के आती है और वही सेम चीज जो एम्ब्रोक्सन वाला एलिमेंट है वो डियोर सवाज एलिक्सिर के अंदर मिसिंग है। अब डियोर सवाज एलिक्सिर है उसका ड्राई डाउन एक्चुअल में स्मेल कैसा करता है, तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपको थोड़ी सी हाइलाइटिंग स्वीटनेस मिलेगी लिकरिस और पचुली के कारण। अब अगर मैं डियोर सवाज की खुशबू को सम अप करके बताऊं, निचोड़ कर आपको बताऊं कि कौन सी जो चीज़ें हैं या कौन सी ऐसी खुशबुएं हैं जो आपको मेजॉरिटी तौर पर मेजरली तौर पर स्मेल करने को मिलेंगी, तो वो होगा सिनेमन, एम्बर का नोट और थोड़ी सी मिठास। ये तीन चीज़ों के अंदर डियोर सवाज एलिक्सिर की जो खुशबू है वो सम अप हो जाती है। डियोर सवाज एलिक्सिर का जो ड्राई डाउन है वो ज्यादा हैवी है, ज्यादा थिकर है, ज्यादा मैच्योर्ड है और ज्यादा क्रीमियर है देन डियोर सवाज। अगर इसकी खुशबू की इंटेंसिटी आपको बताऊं तो डियोर सवाज एलिक्सिर की जो खुशबू है वो ज्यादा स्ट्रांग है डियोर सवाज से। अब यहीं से अगर मैं इसकी लास्टिंग के बारे में अगर आपको बताऊं, जैसा मैंने कहा कि ये स्ट्रांग परफ्यूम है डियोर सवाज से, तो अगर आप इसके 6 से 7 स्प्रेस करेंगे तो ये 6 से 7 घंटे के आसपास लास्ट कर जाएगा अपने इंडियन क्लाइमेट में। और अगर प्रोजेक्शन की बात करूं, इट इज मोर और लेस सेम विद डियोर सवाज। आई प्रेफर वेयरिंग दिस परफ्यूम इन द इवनिंग टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा परफ्यूम है विच इज नॉट मेंट फॉर हॉट समर डेज, समवेयर द टेम्परेचर इज नॉट टू हाई। तो जो मौसम है, मुझे ऐसा लगता है कि जो मौसम है ऑटम है, फॉल है, विंटर है, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा परफ्यूम है, नॉट मेंट फॉर प्रॉपर टिपिकल हॉट समर डेज। अब ये एक बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट गेटर भी है। इट्स लाइक जब आप इसे वेयर करते हैं, जो भी इंसान खुशबू प्रेमी होगा, परफ्यूम लवर होगा, आप उससे गुजरेंगे या पास करेंगे उससे, तो आपको वो एक बार जरूर पूछेगा कि भाई आपने लगाया क्या है। इट इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर फ्रेग्रेंस, सूटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ ओकेजंस, बट इट इज अ गुड फॉर्मल वेयर। सूट बूट के साथ ये फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा फबती है। अब अगर इसके एज ग्रुप की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है इट इज अ सूटेबल वेयर फॉर ऑल काइंड ऑफ एज ग्रुप्स, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स टिल द एज ऑफ 60 to 65, इट इज दैट गुड एज अ फ्रेग्रेंस। बात करें इसकी कीमत की, तो जो इसकी प्राइस है दैट माइट ब्लो योर माइंड, क्योंकि हो सकता है आपको इसकी कीमत सुनकर हैरानगी हो, क्योंकि जो इसकी कीमत है वो डियोर सवाज के 100 ml की कीमत के आसपास है। इसकी जो 60 ml की कीमत है वो है अराउंड 12,000 rupees। अब सवाल आता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी डियोर सवाज है तो आपको डियोर सवाज एलिक्सिर खरीदना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं कि जब तक मैंने इस परफ्यूम को खरीदा नहीं था, मैं ये चीज सोचता था यार कि डियोर सवाज से हटकर उससे अलग या उससे बढ़िया ऐसी क्या खुशबू बना दी होगी इन्होंने। एज अ रिजल्ट आई गॉट लेट इन बाइंग दिस फ्रेग्रेंस। तो जब मैंने इसको खरीदा, इसको यूज किया, मुझे ऐसा लगा कि मैंने इतनी बढ़िया खुशबू को मिस कर दिया और इतनी देर तक मैं एक इतनी अच्छी खुशबू से वंचित था। सो द बेसलाइन इज, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपको खुशबुओं को कलेक्ट करना अच्छा लगता है, देन गो फॉर दिस फ्रेग्रेंस विदाउट एनी सेकेंड थॉट। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं भी रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ इसको खरीदने के बाद, क्योंकि जब मैं इसे यूज करता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और मुझे अच्छा लगता है कि मैंने इस परफ्यूम को खरीदा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का वीडियो जो कि डियोर सवाज एलिक्सिर के डिटेल्ड रिव्यू के ऊपर बेस्ड था, और साथ ही साथ इन अ वे मैंने एक छोटा सा कंपैरिजन भी करके दे दिया आपको डियोर सवाज के साथ, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स। और आप कौन से अपने और फेवरेट डिजाइनर फ्रेग्रेंस, नीश परफ्यूम, अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव, किसी भी और फ्रेग्रेंस का रिव्यू चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। तो इससे पहले मैं आपकी इजाजत लूं, आई जस्ट वॉन्ट टू से महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल नेक्स्ट टाइम एंजॉय लाइफ, टेक केयर।